में आप क्या सोचते हैं, क्या मिष्टी को आगे बढ़ना चाहिए, क्या मिष्टी को सोशल मीडिया पे आकर के धमाल मचाना चाहिए, क्या मिष्टी को भोजपुरी में जाना चाहिए, क्या मिष्टी के जैसे और लोग कहीं से वायरल हो रहे हैं। सारे नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहां पे आए हुए हैं। पावापुरी स्टेशन है, पावापुरी स्टेशन के बगल में एक मिष्टी लड़की है, वही वायरल हुई थी। बस छोटी सी बच्ची है और वो हरकत के वजह से वायरल हुई। मेन जो कारण था वो हरकत के वजह से। एक गाना था पवन सिंह का, कौन सा गाना था, चटनिया वाला ना, कौन सा गाना, हमको तो गाना भी नहीं याद है, लेकिन मिष्टी के कारण हमको आना पड़ा यहाँ पे। तो सबसे पहले मिष्टी के मम्मी है यहाँ पे और मिष्टी है, इनको हम अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। स्वागत है आपको चैनल पे। ये मिष्टी है और मिष्टी अभी क्या कर रही है, क्या हुआ मिष्टी? अच्छा, मिष्टी को कैसे आपको लगा कि वायरल करना चाहिए, क्योंकि वायरल एक दिन में होता नहीं है, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, छोटी से ही मतलब बहुत कुछ कैच करती थी, सीख जाती थी सब चीज, तो थोड़ा थोड़ा लगता था कि इसका एक्टिंग को मतलब कैप्चर करके रखना है कि अच्छा लगता है छोटा बच्चा को कोई चीज। अच्छा, पहले आप सोचे थे कि हाँ बच्ची वायरल हो जाएगी, या ये सोचे थे कि चलिए एक ऐसा करते हैं कि हाँ बच्ची का कुछ यादगार के तौर पे हम कवर करते हैं, आप क्या सोचे थे पहले? देखिए, थोड़ा सा मतलब एक्टिंग करती थी तो हम लोग को भी आश्चर्य होता था, इसीलिए लगता था कि कुछ करेगी आगे जरूर, क्योंकि हम लोग से इसका दिमाग भी अलग है और ये पढ़ने में भी सब चीज याद जल्दी कर लेती है, उतना हम लोग से नहीं हो। पढ़ाई में भी आगे है? हाँ, पढ़ाई में भी, और कुछ हरकत करने में भी आगे है, मतलब कोई भी चीज, इसको डायलॉग या कुछ भी आप डांसिंग सिखाते होंगे वो खुद कर लेती है, जो आप घर पे अगर बोल भी रहे हो ना तो वो कॉपी कर लेती है, आप अभी जो बात करके जाइएगा वो घर पे जाकर कॉपी करेगी। अच्छा, अच्छा, जो ये डांस की थी, हमको तो नहीं लगता है कि ऐसा डांस जो इसके नर्तक हैं, जो नर्तकी हैं, वो ऐसा भी हरकत ही, मतलब इतना सुंदर वो हरकत नहीं की थी, आपको क्या लगता है? देखिए, डांस वगैरह तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सप्रेशन ये पता नहीं कहाँ से लाती है, वो हमको भी नहीं पता। वो आपको भी नहीं करने आता? नहीं, हमको भी। ये अकेले कर लेती है? ये खुद करती है। अच्छा, ये कभी कभी ऐसा नहीं होता कि ये अकेले ये रूम में डांस करती होगी? हाँ। आप लोग से हट के? हाँ। तो उस समय क्या आपको लगता होगा? लगता है कि बचपना का ही दिमाग है इसका, जो मर्जी कर रहा है वो अपना करते रहते हैं। ऐसा नहीं सोचे हैं कि कल के डेट में इसको इसी फील्ड में भेजना है? देखिए, सोचना ऐसा कुछ नहीं, जो इसमें मतलब होता है ना कि आदमी बच्चा जो कर रहा है उसमें अच्छा लगता है, माँ बाप को कि देखकर अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, अब आगे बढ़ेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ना ये मिष्टी का ये नानी घर है, तो मिष्टी के दादी घर वाले और नानी घर वाले का क्या है, मतलब मिष्टी को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, नानी घर वालों को तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन दादा दादी को वहाँ भी वही है, लेकिन कहीं भी जाते, अरे तुम्हारी पोती, तुम्हारी मिष्टी तो इतना डांस कर मिष्टी के दादा दादी भी वहाँ से, मतलब कि वहाँ से भी इसका चर्चा हो रहा है? दादा दादी बहुत ज्यादा चर्चा, यहाँ से ज्यादा वहाँ चर्चा हो रहा है। यहाँ पे और लोग का कैसा रिएक्शन है, आस पड़ोस के लोग, बच्चे लोग कैसा रिएक्शन है, जो इसके साथ खेलते होंगे उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, सब लोग बचपन से इसको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये ऐसा है ही, कुछ भी किसी से बात करना, ऐसा कोई बच्चा है नहीं वहाँ पे किसके जैसा बात करे, ये मतलब अलग टाइप की थोड़ा है ही, सबसे घुल मिल जाती है, सबसे प्यार से बात करती है। पहला जो गाना, तो पहला जो वीडियो था वो वायरल, मतलब आपको पता कब चला कि वायरल हो गया है? देखिए, कर्पूर गौरव में एक गाना आया था, तो वो गाना मतलब ऐसे ही सुनते सुनते इसको याद हो गया था, तो वही गाना मतलब पोस्ट किए थे तो कुछ व्यूज ऐसे ही गया था, उसमें कमेंट भी आया था कि मिष्टी को वायरल होना चाहिए, कुछ कोई भी कमेंट ऐसा अच्छा किए थे, तो हम लोग को उतना ध्यान नहीं दिया कि चलो भाई बच्चा है, थोड़ा बहुत याद कर लेती है, धीरे धीरे ऐसे बनाते बनाते वीडियो पोस्ट करने लगे तो अच्छा अच्छा और एक्टिंग करने लगे। इधर कौन सा वीडियो वायरल हुआ? ये धनिया ये जान वाला गाना, मतलब भोजपुरी गाना। अच्छा, भारत और हिंदी गाना पे ये डांस करती है? हिंदी पे भी करती है, पहले सबसे फर्स्ट में इसका गाना था ना, बादल बरसा बिजली पे की थी डांस, वो ट्रेंडिंग में था, वो सबसे ज्यादा फर्स्ट इसका स्टार्टिंग वहीं से हुआ, फिर उसके बाद नील कमल सर का गाना था गुजरिया ये वाला गाना, ये फिर स्टार्ट, इसके बाद ये वाला हुआ सबसे ज्यादा ये हुआ। अच्छा, भोजपुरी के जो अभी पवन सिंह है वो लोग कॉल किए या नहीं किए? वो नहीं पता है, लेकिन क्या सोच है, मतलब कि मिष्टी से मिलने का? हम देखिए, मिलने का तो जिक्र किए हैं कि मिष्टी से अगर मिलेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा, तो अगर हम आएंगे तो हम लोग का भी सौभाग्य होगा कि सर मिले। कौन कौन लोग इसको फॉलो किए? ये आम्रपाली मैम है, नीलकमल सर है, अभी अरविंद अकेला जो कल्लू सर है वो है, और दीपक सर है, बहुत सारे लोग है, उतना बहुत मतलब जितना सुपर स्टार। मिष्टी कुछ डांस करके दिखाओगे क्या हमारे दर्शक को? डांस करोगी? मन है?
चलिए अच्छा एक बात और बता देते हैं, जब कोई भी बच्ची या बच्चा छोटा सा जब वायरल होता है तो उस पे कई लोग जो होते हैं सोशल मीडिया पे उसको कॉपी करना चालू कर देते हैं और जो उसका जो ओरिजिनल पेज और चैनल होता है वो चैनल गिर जाता है। तो ऐसे में मिस्टी का जो ऑफिशियल जो पेज है वो पेज आप बता दीजिए, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे कौन कौन सा है आप बता दीजिए, हम लोग उसको टैग कर देंगे, लोग वहां से फॉलो कर लेंगे। देखिए यूट्यूब पे मिस्टी ऑफिशियल से है और फेसबुक पे इसका मिस्टी रानी से है। अच्छा। वो प्रोफाइल है मिस्टी पेज पेज उसमें फोटो कौन सा दिया हुआ है वो बता दीजिए आप। इंस्टा पे इंस्टा आईडी पे जो है ना फोटो वही है, लेकिन बैक पिक है ना इसका, वो ऐसे बाल खींच रही है, बर्थडे वाला पिक है। वो सब फोटो और लिंक हम आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ज्यादा नहीं बात करते हैं क्योंकि अभी मिस्टी का मूड नहीं है, थोड़ा गिर गई थी तो मिस्टी का मूड नहीं है, बाद में हम लोग बात करेंगे मिस्टी से, फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक इस वीडियो के लिए आप क्या सोचते हैं और मिस्टी को कैसा आप मिस्टी के बारे में मिस्टी के डायन सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। जय हिंद। क्या गया था चांद मामा पर, कौन सा चीज गया था, क्या गया था, उसका नाम क्या है? चांद मामा पर कौन गया था बताओ ना। चांद मामा पर चांद मामा पर गया था थ्री। कौन थ्री, नाम क्या था उसका? चंद्रयान थ्री। चंद्रयान थ्री हाँ, और उसका नाम क्या था बेटा? हाँ, और उससे जो लैंडर निकला था, जो लैंडर था जो गाड़ी, हाँ हाँ जो गाड़ी जो निकला था उसका नाम क्या था? ओवर रोवर पोवर सोवर, क्या नाम था? रोवर। बिहार की राजधानी? पटना। झारखंड की? मध्य प्रदेश का? गुजरात के? गांधीनगर। हाँ, राजस्थान का? जयपुर। और कुछ याद है? गोवा का? पणजी। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री बोलिए आप। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। हाँ है? जोर से बोलो। मोदी। मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? मोदी। बिहार के मुख्यमंत्री? बिहार के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद।